हेलो फ्रेंड्स, रानू की अपनी रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं किचन से ही जुड़ी एक और ऐसी चीज़ जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए दिखाते हैं वो कौन सी चीज़ है। अक्सर हमारे घर में जब हम कभी पूजा पाठ कुछ भी करते हैं तब हमारे घर में नारियल ज़रूर तोड़ी जाती है। और जब नारियल तोड़ी जाती है तो अगर हम लोग खा लिए तुरंत तो खा लिए, वरना बच गई तो वो नारियल फिर कभी इधर पड़ी है कभी उधर पड़ी है। थोड़े थोड़े पीसेस करके बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं और महीने में दो चार नारियल तो टूटती टूटती है, कभी व्रत में कभी कोई त्यौहार में। तो हम क्या करते हैं कि बस ऐसे ही पड़ी रहने देते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा करके कभी कोई मिठाई बनाए कभी कोई खीर बनाए तो डाल दिए, वरना पड़ी रहती हैं। तो इसलिए आज हम इसका ऐसा उपयोग करेंगे जो कि एक बार इसको बना के आप रख लेंगे तो सालों साल ये चलने वाली है, यकीन मानिए कभी ख़राब नहीं होगी। तो सभी नारियल को छोटे छोटे टुकड़े में कर लीजिए एक साथ, और एक मिक्सी जार में डाल के और अच्छा सा बढ़िया पाउडर बना लें इसका। और ये देखिए कितना बढ़िया पाउडर बनकर तैयार हुआ है। और इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें, साल भर आप मानिए कि ये कभी ख़राब नहीं होने वाली चीज़ है। ये जिस तरह आप रखेंगे उस तरह ही रखी रहेगी, और जब चाहें जिस तरह चाहें उस तरह इसका इस्तेमाल करें। तो बताइए है ना बढ़िया अच्छी ट्रिक। तो इस ट्रिक को आप भी ज़रूर फॉलो कीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।